In this video, we are going to solve question number 4 of TIA for 2021. Question basically asks a mixture of KCl and KClO3 weighing 1.8 gram was heated. After the reaction, the dry oxygen gas generated occupied 140 milliliter at STP. What percent of original mixture was KClO3? So, हमको क्या बोला गया? KCl और KClO3 का एक mixture है, उसको हम weight किए. और उसका वेट हुआ 1.8 ग्राम्स, ठीक है. तो उसको हम लोग हीट किए, ठीक है. तो हीट करने के बाद जो ऑक्सीजन निकला, उस ऑक्सीजन को हम लोग मेजर किए एट एसटीपी. उसका वॉल्यूम आया 140 ml. तो व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर वाज KClO3, हमको बोलना होगा KClO3 का मतलब कितना परसेंट था इस मिक्सचर में, ओके. तो इसको करने के लिए हम लोगों को पहले जानना होगा क्या रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हो रहा है KClO3. हम जानते हैं जब हम KClO3 को हीट करते हैं उसमें हमको KCl मिलता है प्लस ऑक्सीजन मिलता है, ओके. इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 KCl, ओके. सो अब देखो क्वेश्चन में क्या मतलब रिएक्शंस में क्या है. बोल सकते हैं हम इसको 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिवन फ्रॉम और गिवन आउट फ्रॉम 2 मोल ऑफ KClO3, ओके. तो हमको कितना ऑक्सीजन मिला? हमको 140 ml ऑक्सीजन मिला एट एसटीपी. तो 140 ml मतलब कितना मोल होते हैं? हम जानते हैं मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम दैट इज 140 ml डिवाइडेड बाय 22,400 ml, ठीक है. तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं हमको जो मिलेगा वो है यहाँ पे 1/160, ठीक है. इतना मोल है हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं 1/160 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिवन आउट फ्रॉम 2/3 इंटू 1/160 मोल ऑफ KClO3. तो ये कितना होगा? ये होगा 1/240 मोल ऑफ KClO3, ठीक है. तो हमको इतना मोल KClO3 मतलब इतना ऑक्सीजन कहां से आया? इतना मोल KClO3. अब हमको क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन पे इन ग्राम बोला गया, ठीक है, इन ग्राम में बोला गया. तो हमको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा. तो उसके कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट. सो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 क्या होगा? पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3, तो ये हो जाएगा 48. तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो इसका वैल्यू आएगा 122.5 ग्राम, ओके. तो हम ये जो मोल है 1/240 मोल, तो मैं इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1/240 मोल को मल्टीप्लाई करना होगा ये ग्राम से. तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 122.5 डिवाइडेड बाय 240 एंड दैट इज 0.51 ग्राम. तो इतना ग्राम है हमारे पास KClO3, राइट. और हमारे पास कितना था? 1.8 ग्राम था मिक्सचर में.
तो 1.8 ग्राम था मिक्सचर, उनमें से हमारे पास आया 0.51 ग्राम KCLO3। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या चाहिए, व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर वाज KCLO3, तो KCLO3 का परसेंटेज निकालना होगा। कैसे करेंगे, ये है हमारे पास 0.51 ग्राम KCLO3 डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर। ओके, दिस इज टोटल मिक्सचर इनटू 100। ओके, सो दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ KCLO3 व्हिच वाज प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर, आई मीन मिक्सचर। तो 0.51 डिवाइडेड बाय 1.8 इनटू 100, सो कितना वैल्यू आया, 28.33%। ओके ओके, सो राउंड ऑफ किया गया, 28.4% दिया गया। ठीक है, हम क्लोज इनफ जो आंसर है उसमें जाएंगे, सो 28.4% जो है हमारा आंसर, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। थैंक यू सो मच।